नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलवर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे, और अगले एक घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे सोशल साइट है, जैसे कि फेसबुक हुआ, एक्स यानी ट्विटर या इंस्टाग्राम, वहां पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और खासकर जो यूट्यूब पर लाइव हमें देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। अब सवाल कैसे पूछा जाए उसका भी एक फॉर्मेट है, वो भी बता देता हूँ। बेहद आसान है, आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से लेवल से आपने खरीदा है, साथ ही साथ आपका नज़रिया क्या है, आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहते हैं। इससे हमारे एक्सपर्ट्स को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। चलिए इसके साथ हम अपने गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। तो ज्योचित फिनेंशियल से हमारे साथ गौरंग शाह जी जुड़ चुके हैं, और जेएम फिनेंशियल से अक्षय भागवत हमारे साथ शामिल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। निफ्टी की शुरुआत आज ऑलमोस्ट फ्लैट होती हुई नजर आई थी, पिछले सेशन के रेंज में ही था। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। निफ्टी बैंक का अगर मेनली देखा जाए तो पिछले सेशन में थोड़ी अच्छी तेजी नजर आई थी, एक कंसोलिडेशन से थोड़ा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया था, लेकिन अब वापस थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजार में यहाँ पे क्या राय बनती हुई दिख रही है आपकी? जी गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा दबाव है, और दबाव का कारण मेरे हिसाब से अगर आप डेटा पॉइंट्स देखें डेरिवेटिव्स में, तो 51,000 का एक काफी शॉर्ट टर्म अहम रेजिस्टेंस है। काफी कॉल राइटिंग की ऑप्शंस में पोजीशंस, बिकवाली की पोजीशंस 51,000 की है, तो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। एक पॉसिबल डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में। एक क्लैरिटी बन रही है कि 49,500 एक सपोर्ट बन चुका है, और बैंक निफ्टी वापस कब जल्द ही 51,000 का एक री अटेम्प्ट करेगा ब्रेकआउट का, पर इतना आसान नहीं रहेगा। तो इसके चलते आज वीकली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा सा दबाव जरूर है, पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, शॉर्ट टर्म करेक्शन है। और सपोर्ट लेवल्स अब ढूंढे तो 50,000 एक मैसिव सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है अगस्त एक्सपायरी के लिए। तो इवेंचुअली मेरा व्यू है कि आज के लिए शायद ये रेजिस्टेंस लागू रहेगा, 51,000 ब्रेक करना मुश्किल होगा, शायद 50,700 के आसपास एक्सपायर हो सकते हैं आज के लिए। बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति बना के चले, 51,000 इवेंचुअली ब्रेक होगा ये मेरा मानना है, और अपसाइड में 51,700 से 52,000 का टारगेट जल्दी आपको बैंक निफ्टी में शायद अगस्त एक्सपायरी एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो ये है नज़रिया इंडेक्स पर आता हुआ, और ये बीच बीच का जो करेक्शन है वो मार्केट के लिए बड़ा आवश्यक होता है हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की राय में। चलिए आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। नितिन कुमार का सवाल लेते हैं, जो कि व्हाट्सएप के जरिए हम तक आया है। डिफेंस क्षेत्र का अहम स्टॉक कोचीन शिपयार्ड पर राय जानना चाहते हैं। खरीद जो है वो ऊपरी स्तरों की है, 2639 के स्तर पे इन्होंने कोचीन शिपयार्ड में एंट्री की हुई है, और इस वजह से यहाँ पर नुकसान झेलते हुए हमने देखा कि पिछले दिनों या ये कह लें कि बजट के बाद से ही बीच में तो एक बेहतर मोमेंटम नज़र आया था डिफेंस स्टॉक में, पीएसयू स्टॉक्स में, लेकिन अब वहाँ पर मुनाफा वसूली देखी जा रही है और इसकी शायद उम्मीद भी की जा रही थी। अब खरीदारी का स्तर 2600 के ऊपर है गौरांग सर, हालांकि आज हम देख रहे हैं कि लगभग 25% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है। इनका स्तर आने के लिए कितना इंतज़ार करना होगा? धन्यवाद प्रशांत, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। कोचीन शिपयार्ड या फिर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां पिछले साल दो साल में 100% से लेकर से 150-200% से ज्यादा ऊपर के तरफ के रुझान दिए थे, और फिर उसके पश्चात थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में ये रक्षा क्षेत्र के शेयर्स आ गए हैं। आज हालांकि काफी कुछ रक्षा क्षेत्र से जुड़े शेयर्स में खरीदारी हम देख रहे हैं। कोचीन शिपयार्ड पर जब आईपीओ आया था तब से आईपीओ में निवेश की भी राय थी, और तत्पश्चात बुनियादी तर्क के आधार पर हमने यहाँ पर निवेश की राय दी थी। ये जो हाल ही में पहली तिमाही के नतीजे आए और जो घोषणाएं मैनेजमेंट ने की है, तो उसके तहत थोड़ा बहुत रिव्यू में हमने रखा है कोचीन शिपयार्ड को, मतलब
हम चिंतन कर रहे हैं लक्ष्यांक को किस तरफ लेके जाने के लिए। तो अंडर रिव्यू होने के कारण और जो भी रेगुलेशन है उसके तहत फिलहाल इस पर कोई विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दो चीज मैं रक्षा क्षेत्र के बारे में ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। और आज सुबह मैं मझगांव डॉक के मैनेजमेंट की बातें सुन रहा था, आने वाले 3-5 साल से काफी कुछ बड़े ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। 40,000 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, उसी तरीके से कोचिन शिपयार्ड का और बाकी अन्य कंपनियां जैसे गार्डन रीच है, भारत डायनामिक्स है, BEML है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। ये मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं उन सब कंपनियों का जो काफी सक्षम और मजबूत है और आने वाले 3-4-5 साल में ऑर्डर बुक के आधार पर इनके नतीजे बहुत बेहतर तरीके से सुधर सकते हैं। तो छोटी अवधि में मुनाफा वसूली की चपेट में, और मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब 100-150-200% से ज्यादा चला है उसके बाद अगर 15-20-30% का करेक्शन भी आता है तो मेरे ख्याल से किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। उज्ज्वल भविष्य है इन सब कंपनियों का ऑर्डर बुक के आधार पर। बिल्कुल, ये थी विशेष राय गौरंग जी के तरफ से कोचिन शिपयार्ड पर। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पहले कॉलर से जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ गोपाल जी फिलहाल शामिल है। गोपाल जी नमस्कार, पूछिए। गोपाल जी बताएं। ठीक है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हम शायद जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन उनका सवाल हम तक आ गया है। तो इनकी खरीदारी इंडिया मार्ट पर है, 22 शेयर होल्ड कर रहे हैं 3165 के भाव से। अक्षय जी आपके पास आना चाहूँगा, इंडिया मार्ट पर खरीदारी है 3165 के भाव से, वहाँ से देखें तो स्टॉक करीबन 7-8% नीचे आ चुका है, लेकिन इसी महीने के निचली स्तर से भी देखें तो 11% का एक ऊपर की तरफ रिकवरी होता हुआ भी नज़र आ रहा है। पिछले 4-5 सेशन से हमें लगातार खरीदारी भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे क्या व्यू बनता लग रहा है कि इनके परचेज जो बाइंग प्राइस है वहाँ तक जा पाएगा या यहाँ पर थोड़ा सा सुस्त होने की उम्मीद की जा सकती है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, अगर नीचे की तरफ जाए तो कहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं? जी, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात की जाए तो एक पॉसिबल डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिला है इंडिया मार्ट निवेश में, जो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। 4 दिन एक तरफा चला है तो थोड़ी सी आज जो है यहाँ से ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है, पर कोई चिंता वाली कारण नहीं दिख पा रहा है मुझे। मेरे हिसाब से 2850 के स्तर ज्यादा से ज्यादा नीचे अभी एक सपोर्ट ऑफर करेगा स्टॉक को और वहां से वापस रिबाउंड करेगा। थोड़ा सा टाइम आपको 15-20 ट्रेडिंग सेशन दे तो 3200 तक स्टॉक वापस ऊपरी स्तर में छू सकता है, तो बने रहिए, होल्ड कीजिए। एवरेज कर सकते तो 2850 ये लेवल है जहां पे आपको एवरेज करना है। स्टॉप लॉस आपको रखना है ट्रेड में तो 2775 का बनेगा और टारगेट एरिया जैसे मैंने कहा 3200 बनेगा। तो यहां पर थोड़ा धैर्य का परिचय आपको देना होगा, अहम रणनीति आती हुई अक्षय जी की तरफ से। बढ़ते आगे, कमलेश जी का सवाल है व्हाट्सएप के जरिए, पंचकुला हरियाणा से हमारे दर्शक हैं जिन्होंने राय जाननी चाहिए है प्रेस्टीज एस्टेट पे। जी हाँ, शानदार स्तरों पर खरीदारी है इनकी, 340 यानी 340 रुपए पे प्रेस्टीज स्टेट में इन्होंने एंट्री की है, अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर उनके पास होता हुआ। जाहिर सी बात है कि इतने मुनाफे के बाद एक जिज्ञासा होती है कि क्या इस मुनाफे को पार्शली बांध लिया जाए या और इंतजार किया जाए। गौरांग सर बताएं, प्रेस्टीज स्टेट बहुत ही शानदार स्तरों पर इन्होंने इस दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी में खरीदारी की है 340 के स्तर पे, क्या राय होगी आपकी? ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया उदाहरण होगा शेयर बाजार सबका अधिकार जो मुहिम हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर चलाई है। और हम अक्सर यही बात करते हैं प्रशांत, कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए कोई अच्छी और सक्षम कंपनियों में निवेश किया है तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से आपकी पूंजी में वृद्धि हुई है। मौजूदा स्तर करीबन 1745 के आसपास और इनका निवेश का स्तर जो है मेरे ख्याल से 350 आपने बताया उसके आसपास, 200 शेयर की संख्या है इनके पास। एक उदाहरण दे रहा हूं, ये मैं कोई राय नहीं दे रहा, हालांकि बुनियादी तर्क के आधार पर प्रेस्टीज एस्टेट्स पर हमारी खरीदारी की राय है और 1800 के पार के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स पर लंबी अवधि के लिए। लेकिन जिस प्रकार से निवेश करना एक कला होती है शेयर बाजार में, उसी तरीके से मुनाफा समेटना भी एक कला होती है शेयर बाजार में।
आप सिर्फ कागजी मुनाफा देख के खुश हो जाते हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोई महत्व नहीं होता है। वो मुनाफा आपके बचत खाते में जब रुपया बन के खनकता है तो उसकी आवाज एक मधुर आवाज के रूप में आपके कानों पर सुनाई पड़ती है। अगर ये फर्ज करिए 25 या 50 शेयर भी बेच देते तो इन्होंने जो पूंजी निवेश की थी वो तो घर आ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर मेरे ख्याल से 15-20% का मुनाफा भी घर आ जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाकी के जो 150 शेयर बचेंगे इनके पास, अगर ये 50 शेयर बेच देते हैं तो वो निशुल्क हो जाएंगे, जिससे इनको एक चैन की सांस लेना में आसानी होगी और निश्चिंत होकर के ये निवेशित रह सकते। ये मात्र उदाहरण दे रहा हूं, अगर जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है तो बने रहे। बिल्कुल, तो जोखिम झेलने की अगर कैपेसिटी है तो बने रहिए, वरना थोड़ा सा हल्का प्रॉफिट यहाँ पे लेके निकल सकते हैं। चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ उमेश शुक्ला जी शामिल हैं। उमेश जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल। सर मेरे पास केनरा बैंक के 600 शेयर हैं, मैंने 117.22 रुपए पे खरीदे थे जी। तो ये अभी लगभग 2 महीना हो गया, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कितने चल रहा है और आगे मैं 3 महीने और रुक सकता हूँ सर? जी बिल्कुल, अक्षय जी आपके पास आना चाहूंगा। कैनरा बैंक पर इनकी खरीदारी है 117 के भाव से, वहां से देखे तो स्टॉक 5% नीचे आ चुका है। चार्ट पे देखे तो ये 104 का लेवल है, 104.5 का, जहां से काफी अच्छी रिकवरी आई है। पिछले भी कई सेशंस में हम देख रहे कि मार्च में भी यहाँ पे ही लो बना था 104.5 पे, और बाद में मई में भी यहाँ से ही अच्छी रिकवरी आई थी, रिसेंटली भी यहाँ से ही हमें तेजी होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर क्या राय बन रही है कि सपोर्ट के बेसिस पे और आगे तक होल्ड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ वापस आ सकता है स्टॉक? जी तो 3 महीने का आपका होल्डिंग की क्षमता है, तो एक प्राइस पैटर्न जो अंश आपने सही कहा कि मार्च और मई में 2 बार 105 108 के स्तर से बार बार ये स्टॉक उछलता है, तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से बार बार स्टॉक में डिमांड दिख रहा है, वॉल्यूम्स भी कम हुए। इस बार भी अगर आप देखें तो वही स्तर से स्टॉक ने एक रिकवरी करी है, और एक हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न है कि जब भी ये 105 107 के स्तर से उछलता है तो 125 तक चलता है, तो यही हिस्ट्री रिपीट होगा क्योंकि जो लॉन्गर टर्म चार्ट है कैनरा बैंक के अभी भी काफी मजबूत है, तो 125 के जो स्तर है शायद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको वापस मिल सकते हैं। तो अगर आपकी शॉर्ट 1.5-2 महीने की होल्डिंग की अवधि है तो मैं कहूंगा 125 के आसपास एक बार आप मुनाफा बांध सकते हैं। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है 125, एक टेम्पररी मीडियम टर्म स्टॉप ओवर टारगेट है। मेरे हिसाब से जिस तरीके का प्राइस पैटर्न है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन या ट्रायंगल पैटर्न है जो लॉन्ग टर्म में 140 145 का टारगेट का प्रॉमिस दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बने रह सकते हैं। 1.5 से 2 महीने की आपकी अवधि है तो 125 ये आपका टारगेट एरिया रहेगा। स्टॉप लॉस रखना है ये ट्रेड में तो 97 का बनेगा। उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए और एक अहम रणनीति के साथ स्टॉक में आपको अपनी आगे की यात्रा जारी रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अपने खास सेगमेंट को आपके लिए लेकर आते हैं, और ये है ऑप्शंस के चैंपियन। इंटरम ब्रोकिंग के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन साहब जुड़े हुए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए ऑप्शन की दुनिया से आज आप कौन से मोती चुनकर ला रहे हैं? नीलेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 बताएं आज क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है, स्टॉक है एशियन पेंट और काफी अच्छा इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और इसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप भी हमें होते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहा है। लगभग 3200 से लेके 3300 तक के लेवल हमें अगस्त सीरीज में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे अगस्त सीरीज का ही कॉल ऑप्शन 3140 का लॉन्ग करने की सलाह होगी जो करेंटली 31 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 16 रुपीज का एंड 51 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 70 का हो गया। इसका लॉट साइज छोटा है 200 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो 3200 के आसपास का रिस्क है एंड रिवॉर्ड 7800 का है, 7800 रुपीज का। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि अंडरलाइन अंडरटोन काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे मोमेंटम हम 3200 से 3300 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। क्रिया करेंगे नीलेश जी, तो एशियन पेंट्स 3140 की कॉल आपको जो 3234 रुपए के आसपास मिलेगी ये आपको खरीदनी है। लक्ष्य
पहला 51, दूसरा 70 रुपए का। स्टॉप लॉस यहां पर 16 रुपए का आपको रखना है। अधिकतम मुनाफा 7,800 तक का हो सकता है और नुकसान 3200 तक का। लेकिन एक अहम बात आपके लिए लेकर आते हैं, सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर, जो बताता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो दुनिया है वो जोखिमों से भरी पड़ी है। 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग इसमें पैसे गंवाते हैं। नुकसान का दायरा कैसा है ये आप इस पूरी जानकारी से समझ सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह, पक्की तैयारी के आधार पर ही इसमें आगे ट्रेडिंग करने की सलाह दी जाती है।